सभी को ज्ञान का प्रणाम। देखिए, मैंने दो किताब लिखी है, एक है प्रभावी संवाद कला, इससे आप पब्लिक स्पीकिंग का गुण डेवलप कर सकते हैं। दूसरी एक किताब लिखी है, सब कुछ संभव है। यह किताब हर किसी के लिए उपयोगी है। आप मेरे यूट्यूब चैनल में आइए, ज्ञान प्रकाश पांडे सर्च कीजिए, देखिए वीडियो को, एक से बढ़कर एक वीडियो है, इन किताबों के बारे में जानकारी भी है। पहले आप जानिए, अगर आपको लगता है आपके लिए उपयोगी है या किसी के लिए उपयोगी है तब आप रिकमेंड कर सकते हैं। उपयोगी है तभी खरीदिए। आप अमेजन पे जा सकते हैं, मेरा नाम डालिए ज्ञान प्रकाश पांडे, ये किताबें उपलब्ध हो जाएगी। फ्लिपकार्ट में जाइए, वहाँ पर भी मेरा नाम डालिए इंग्लिश में ज्ञान प्रकाश पांडे, वहाँ पर भी मेरी किताबों को पा सकते हैं। पहले जानिए फ्लिप, उसके बाद खरीदिए, चाहे फ्लिपकार्ट से चाहे अमेजन से। यूट्यूब में आप मेरे से जुड़िए, फेसबुक में मेरे से जुड़िए, इन किताबों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए, फिर खरीदिए, और ऐसे भी मेरे वीडियो का लाभ ले सकते हैं। आइए आपको हम बताएंगे, देखिए मेन विषय है जो है वो जिस चीज़ की प्राप्ति हो जाती है उसमें आनंद की समाप्ति हो जाती है, ऐसी जनरल धारणा है और इसी अनुसार लोग जीते हैं। उससे पहले एक मैं अपने गुरुदेव का एक गीत कविता सुनाता हूँ, फिर आगे करते हैं। आओ फिर से दिया जलाएं, देखो भरी दुपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतर तम का नेह निचोड़ें, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आँखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने, नव दधीचि हड्डियाँ गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। मेरे गुरुदेव हैं, बहुत कुछ सीखता हूँ, 1-2% जो भी सीखा हूँ संवाद कला, इसमें इनका बहुत योगदान है, मैं बहुत कुछ सीखने का प्रयास करता हूँ। देखिए, आनंद में रहिए, हर क्षण आनंद में रहिए, यहीं स्वर्ग में रहिए, आज ही स्वर्ग है। आज अगर जी लिए तो कल बेहतर स्थिति में होंगे। अगर बीज स्वर्ग का डालेंगे, खुशी का डालेंगे, तो कल खुशी डेवलप होगी। अगर आज बीज जो है वो दुख का बोएंगे, तो कल उसी का महान बड़ा वृक्ष जन्म लेगा, जो आपको पूरे जीवन खुशी से आनंद से रहने नहीं देगा। इसीलिए देखिए, सुख का बीज आज बोएंगे, खुशी का बीज आज बोएंगे, तो वर्तमान अगर खुश रहेगा तो कल भी खुश रहेगा। कहा जाता है कि भूतकाल व्याकुल करे और भविष्य भरमाए, वर्तमान में जो जिए से जीना आ जाए। ऐसे में जब आप आनंद में रहेंगे तो आप क्रिएटिव रहेंगे, आनंद में रहेंगे तभी आप बेहतर चीज़ें कर सकते हैं, समय का सदुपयोग कर सकते हैं। एक लेवल तक अच्छा प्रेशर आवश्यक है, लेकिन अनावश्यक प्रेशर ठीक नहीं है। कहा जाता है कि जाको दर्शन इत है ताको दर्शन उत, जाको दर्शन इत नहीं ताको इत न उत। जो यहाँ नहीं खुश है वो क्या खाक स्वर्ग में खुश रहेगा, और इसीलिए स्वर्ग की और ईश्वर की बनाई गई कल्पना। कल्पना कहने से मतलब यह है मेरा कि ऐसी चीज़ के बारे में बताना जो आदमी प्राप्त ही न कर सके, क्योंकि जिस देखा गया कि आदमी को जिस चीज़ की प्राप्ति हो जा रही है उसमें से उसके आनंद की समाप्ति हो जा रही है। एक छोटा बच्चा सोचता है कि उसको साइकिल मिल जाएगी तो क्या बात है, मज़ा आ जाएगा, आनंद लेता भी है, खूब चलाता भी है, लेकिन कुछ क्षण बाद टू व्हीलर चाहिए वो भी मिलता है, अच्छा बात है। देखिए, अच्छा बनना, कामयाब बनना, आगे बढ़ना बहुत ही आवश्यक है, लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आनंद लेते हुए बढ़िए, आनंद लेते हुए अंतिम समय में ईश्वर को प्राप्त करिए, आनंद लेते हुए स्वर्ग में चले जाइए। लेकिन आज जो खुशी में हम जी सकते हैं, आज हम आनंद मना सकते हैं, जो संसाधन है उसका जो सदुपयोग कर सकते हैं, उससे मदद ले सकते हैं, उसमें खुश रखते हैं रह सकते हैं, वह भी आवश्यक है। टू व्हीलर के बाद फोर व्हीलर पे आदमी चढ़ता है फिर भी आनंद नहीं आता, सोचता है नौकरी लग जाएगी क्या जीवन रहेगा, नौकरी भी लग जाती है फिर सोचता है रिटायरमेंट के बाद मज़ा लेंगे, सोचता है शादी कर लेंगे तो अच्छा है, शादी के बाद सोचता है बच्चे होंगे तब मज़ा आएगा, जिनके नहीं बच्चे हैं वो इतने परेशान हैं कि हम खुश ही नहीं रह सकते, अब बच्चे तो हुए ही नहीं,
और बच्चे रहते तो उनके साथ थोड़ा मन लगता, और जिनको हो जाते हैं वो कहते हैं मजे से रह कैसे सकते हैं, और बच्चे आनंद में रहने ही नहीं देते। हर क्षण लोगों का एक दुख का कारण है, जिस चीज़ की उनकी प्राप्ति हो जाती है उसमें से उनके आनंद की समाप्ति हो जाती है। मेरा सीधा सा कहना है, वर्तमान में रहिए, आज में रहिए, अभी में रहिए। आज में अभी में कभी क्षण भर के लिए कोई दुख आता है कोई बात नहीं, उस क्षण में दुख में रहना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस जितना जल्दी हो सके उससे मुक्त हो जाइए, आगे बढ़ जाइए, उसी में मत रहिए। नहीं तो आप दुखी रहेंगे, आपका पूरा परिवार दुखी रहेगा, फिर यह चीज़ें फैलती जाएगी। दुखी आदमी यह ठीक नहीं है, यह पाप है, दुख में रहना पाप है मेरे लिए। मैं ऐसा सोचता हूँ, जो आनंदित है वो स्वर्ग में है, और वही स्वर्ग के बीज अपने लिए, अपने परिवार के लिए और समाज के लिए बो रहा है। तो आनंद में रहिए। एक दो शायरी आपको सुनाते हैं और उसी से समापन करेंगे। अंतिम शायरी केवल दो। पसीने की करो पूजा, गरीबी भाग जाएगी, जरा सा मुस्कुरा भर दो, बीमारी भाग जाएगी। जो चेहरे पर हंसी होगी, जो चेहरे पर हंसी होगी, तो दुनिया प्यार लुटाएगी, और जो मुंह लटका के बैठोगे अपने भी भाग जाएंगे, जो मुंह लटका के बैठोगे अपने भी भाग जाएंगे। और अंतिम सुनिए कि गर हर बात दिल से लगाएंगे, गर अंतिम सुनिए कि गर हर बात दिल से लगाएंगे तो ताउम्र रोते ही रह जाएंगे, गर हर बात दिल से लगाएंगे तो ताउम्र रोते ही रह जाएंगे। जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करेंगे तो हर हाल में मुस्कुराएंगे, हर हाल में मुस्कुराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।